सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी ए टी वी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑडिट ऑफ पी एस यू। ठीक है, तो देखो ऑडिट ऑफ पी एस यू में पांच तरीके के ऑडिट है। अगर आप देखें तो पी एस यू ऑडिट को कैग ऑडिट भी बोला जाता है, और पांच तरीके के ऑडिट है जिसमें फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, ये सब ऑडिट है। अब इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस ऑडिट अपने आप में एक बड़ा ऑडिट है, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। हार्डली 15-16 मिनट का वीडियो होगा, पर उसको हम सेपरेट कवर करेंगे। फिर आता है पीएससी में कुछ इररिलेवेंट पोर्शन, डिस्पिट क्वेश्चन में आए हैं, उसको भी एक सेपरेट वीडियो में ही कवर कर लेंगे, उसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। फिर एक आता है कंपोनेंट, जिसमें चार ऑडिट कवर है। ठीक है, चार ऑडिट कवर है, तो इस वीडियो में जो है हम उन चार ऑडिट को समझेंगे, और जो बेसिक की बातें होंगी वो बेसिक की बातें हम समझेंगे, जैसे कैग ऑडिट की रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वो चार से पांच ऑडिट, उसके रिस्पेक्ट में चार ऑडिट इधर कवर होंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन साथ में देखेंगे। साथ ही साथ जो है अगले वीडियो में जो है हम परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ेंगे, एंड देन उसके अगले वीडियो में छोटा मोटा इररिलेवेंट वाला पोर्शन है जिसमें हार्डली कुछ क्वेश्चन आए हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, अब ये जो हम क्वेश्चन हम जो ऑडिट पढ़ेंगे, चार ऑडिट पढ़ेंगे, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी आए होंगे तभी हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे नोट्स को। ठीक है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर कुछ भी हमको कुछ चीज़ रेलेवेंट लगेगी कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये वाला रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इसको कॉपी करके हम हमारी पीडीएफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वैसे हम चीज़ें सारी कर लेंगे। ठीक है, पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो हम पीडीएफ पढ़ के भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। राइट, तो अब बेसिस, ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, इस नोट्स के बेसिस के लिए पंकज सर के चार्ट यूज़ करे थे। अब देखो इन चार्ट्स में चार पार्ट्स में चार्ट बांट के रखे हैं, बट पॉइंट ये है कि ये चार्ट ना बहुत ज़्यादा ही क्लमजी तो नहीं बोल सकते, बट एक चार्ट में बहुत ज़्यादा ही कंटेंट दे के रखते हैं। तो इधर कुछ चीज़ों को हमको इलेबोरेट तरीके से लिखना है, या कुछ चीज़ों में हमको चार्ट्स हमको खुद के ही अपने एरो डायग्राम, लाइन डायग्राम बनाने हैं, तो हम वो बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ये जो है टॉपिक्स यहीं से लिए गए हैं, जैसे कि अब इसमें कुछ कुछ इररिलेवेंट पोर्शन थे, जैसे ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है, तो वो इररिलेवेंट पोर्शन को हटा के जो रेलेवेंट चीज़ें थी उसको इलेबोरेट मैनर में, ठीक है, इसको इलेबोरेट मैनर में इस तरीके से लिख लिया, ताकि वो पढ़ने में भी एक ईज क्रिएट हो, क्योंकि चीज़ों को छोटा तो कर दिया है चार्ट्स में, इन चार्ट्स में चीज़ों को छोटा तो हो गया है, बट इसमें कॉन्टेंट ऐसा कम नहीं हुआ है, वो कॉन्टेंट भी एकदम प्रॉपर तरीके से दिए हुए नहीं है। तो खैर इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, तो हम बेटर है कि इसमें से जो रेलेवेंट पार्ट है उसको हम हमारे नोट्स में लेकर आए, एंड देन हम जो है क्वेश्चन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट। अब ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट में इसके पहले एक छोटा सा लुक ये है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स है। ठीक है, इस इंडेक्स के थ्रू हम जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट। तो सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे ये कैग ऑडिट लगता है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज या बॉडीज। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज और बॉडीज। अब इंटरप्राइज पब्लिक कमर्शियल भी हो सकता है, नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज, तो उसमें पब्लिक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं बोला है, गवर्नमेंट सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस बॉडीज और गवर्नमेंट फाइनेंस बॉडीज, और फाइनेंस के आगे आप लिख देना सब्सटैंशियल फाइनेंस बॉडीज। अब चलो ये हमने कर लिया, अब ये ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट, इन ऑर्गेनाइजेशन का कैग ऑडिट होगा। कैग ऑडिट की बात करें तो ये सेकंड पॉइंट जो है हम उसको लेटर पढ़ेंगे। कैग ऑडिट की बात करें तो पांच तरीके के कैग ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसको बोला गया था FPPP। ठीक है, एफ फाइनेंशियल ऑडिट, सी कंप्लायंस ऑडिट, सी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, पी प्रोप्राइटरी ऑडिट, पी परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, अब ये जो ऑडिट है ये ऑडिट ऑडिटर करता है और ऑडिट रिपोर्ट देता है, तो ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर डू दिस टाइप ऑफ ऑडिट एंड गिव ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो ये हम इधर डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो कैग ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने चार में बाइफरकेट करके रखा है, जैसे कि इधर लिया हुआ दिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, अगर आपको इसमें से देखना तो इसमें से देख लीजिए, और इस ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिस तो यही है, तो इसके बेसिस पे जो है हम, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, ये पर्टिकुलर नोट्स रेलेवेंट है, इस पर रिलाई कर सकते हैं। राइट, चलो पार्ट्स ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट, तो ऐसे केस में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू कैग ऑडिट रिपोर्ट में क्या है? कैग ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन में जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन।
तो क्या बोला है, जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसके वर्किंग रिजल्ट का, डे टू डे वर्किंग रिजल्ट का जनरल रिव्यू करा है। तो जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, तो जनरल रिव्यू इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने बता दिया। फिर कुछ अंडरटेकिंग जो होती है वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के लिए सिलेक्ट करी होगी, तो रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड पीएसयू। तो आपने जो सिलेक्ट करे पीएसयू, ठीक है, उनके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का जो रिजल्ट है वो बता दो। और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं फॉर पीएसयू नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर नॉट सिलेक्टेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, तो उन पीएसयू के सिग्निफिकेंट रिजल्ट आप जो है रिपोर्ट में बता दो। तो एक तो जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट, सिलेक्टेड पीएसयू का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का रिजल्ट, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको डिस्क्लोज करने हैं। साथ ही साथ रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, तो रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट मतलब कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट आपको अटैच करनी है। तो वही कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट जो कैग की डायरेक्शंस पे कंपनी ऑडिटर ऑडिट करता है वो रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। तो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, साथ ही साथ कमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट विथ कमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा जहाँ पे जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फिर हमने सिलेक्टेड पीएसयू जिसको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के लिए सिलेक्ट करा था उसका रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, जो पीएसयू जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं पर उसके जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ पीएसयू नॉट सिलेक्टेड फॉर अप्रेजल, और फिर कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट का रिज्यूम विद कमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये हमने पढ़ा। चलो ये करने के बाद जो है हमने पार्ट ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा, मतलब हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कैग ऑडिट होता है, कैग ऑडिट में क्या होता है, और कैग ऑडिट के थ्रू रिपोर्ट कैग ऑडिट में फिर रिपोर्ट जाती है, और रिपोर्ट के हमने एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, पार्ट्स ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होगी, ठीक है, कैग ऑडिट हुआ, कैग ऑडिट के हमने कंपोनेंट पढ़े, अब ये रिपोर्ट सबमिट होगी कमिटीज़ को, ठीक है, ये रिपोर्ट सबमिट होगी कमिटीज़ को। तो जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट होगी कमिटीज़ को। तो देखो तीन तरीके की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इन कमेटीज़ को रिपोर्ट जाती है, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल क्या है, क्योंकि कमेटी के रिस्पेक्ट में पीएससी पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिर्फ एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन आए हैं, तो क्यों ना हम देख लेते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल क्या है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या रोल है, सबसे पहले एग्जामिन, पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ किसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑडिट करता है, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस जो बॉडीज है, ठीक है, उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो एग्जामिन करता है, राइट। आप पेन पेपर लेके बैठिए और अगर आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लिखने की तो आप वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मियरली ऐसे आइडल बैठ के और सुनने से वो आपको याद भी नहीं रहने वाला, ठीक है। तो एग्जामिन करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना है दूसरा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चार्ट है, ये पर्टिकुलर डायग्राम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये सब चीज़ें देखता है, क्या देखता है, सबसे पहले कि मनी जो है डिसबर्स हो रहा है फॉर द अप्रोप्रिएट पर्पस, देयर इज अप्रोप्रिएट प्रोविजन, ठीक है, जो डिसबर्समेंट हो रहा है वो अप्रोप्रिएट प्रोविजन में से हो रहा है, वो अप्रोप्रिएट फंड में से हो रहा है, और फंड में से हो रहा है और फंड के रिस्पेक्ट में इसके लिए सेपरेट प्रोविजन है, ठीक है। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जो उसको एक्सपेंडिचर कर रही है वो प्रॉपरली ऑथोराइज है कि नहीं एक्सपेंडिचर, मतलब कि देयर मस्ट बी प्रॉपरली ऑथोराइजेशन, ठीक है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोविजन, ठीक है, फंड मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड जो एक्सपेंडिचर है शुड बी यूटिलाइज फॉर दी पर्पस। तो ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है, तो एग्जामिन क्या करती है कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फॉर द पर्पस, तो मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फॉर द पर्पस, एक्सपेंडिचर ऑथोराइज है कि नहीं है, ठीक है, सेपरेट प्रोविजन उस फंड में सेपरेट प्रोविजन बना है कि नहीं बना है इन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है कि वेदर देयर इज अ प्रॉपर अथॉरिटी हु सैंक्शन द एक्सपेंडिचर, वेदर द एक्सपेंडिचर यूटिलाइज फॉर द पर्पस, वेदर देयर इज अ प्रॉपर प्रोविजन फॉर सच एक्सपेंडिचर, वेदर देयर इज अ प्रॉपर फंड फॉर सच एक्सपेंडिचर, ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है कमेटी के पास जाती है। फिर अब बात ये आती है कि जो हम कैग ऑडिट कर रहे हैं कैग ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैग ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग द फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले दो चीज़ें, टू ब्रिंग द फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी मतलब कि
एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है कैग के ऑडिट करने से, कि क्योंकि कैग ऑडिट जो है मैनेजमेंट के इफेक्टिव इफिशियंसी और इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में ऑडिट करता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि कैग ऑडिट कवर्स द ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इट ब्रिंग मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी टू, इट ब्रिंग्स मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ऑडिट ऑफ थ्री ईज, ठीक है। इसलिए मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग कर देता है। फिर इट ब्रिंग्स फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी ब्रिंग करता है, ठीक है। ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी ब्रिंग करता है, ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी ब्रिंग करता है। तो इट ब्रिंग फिस्कल अकाउंटेबिलिटी क्योंकि बिकॉज इट कवर्स ऑडिट ऑफ, ये इट कवर्स ऑडिट ऑफ वेदर देर इज अ प्रॉपर प्रोविजन फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वेदर द एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली ऑथोराइज, ठीक है। वेर देर इज अ प्रॉपर फंड फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। वेदर द एक्सपेंडिचर इज फॉर द पर्पज, इज यूटिलाइजिंग फॉर द पर्पज, ठीक है। तो यही है कि फंड में आप प्रोविजन बनाते हैं, उस प्रोविजन में से जो है आप एक्सपेंडिचर करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, और इस फंड के ऊपर एक स्टैचुटरी अथॉरिटी रहती है। तो वही है, हर जगह डॉट बना के रखे, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ पॉइंट है कि प्रॉपर पर्पज़ के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर फंड इस्टेब्लिश है कि नहीं है, प्रॉपर प्रोविजन इस्टेब्लिश है कि नहीं है फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो वेदर द सैंक्शनिंग, वेदर देयर इज अ प्रॉपर सैंक्शनिंग अथॉरिटी हु ऑथोराइज सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कैग ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो अगर हम डिवाइस करें तो हमने क्या करा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट करा, कैग ऑडिट का स्कोप क्या है, कैग ऑडिट करते तो बकायदा पार्ट्स ऑफ कैग ऑडिट है, ये जो कैग ऑडिट रिपोर्ट है ये सबमिट होगी कमिटीज़ को, ये कमिटीज़ हमने देखी जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिस्पेक्ट में हमने समझा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में इनका रोल क्या होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ कैग ऑडिट भी हमने देख लिया। अब आता है, तो इस तरीके से जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट भी देखा है, पार्ट्स ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट भी हमने देख ली है, कैग ऑडिट का हमने स्कोप भी देख लिया है जिसमें सारे पांचों टाइप के ऑडिट है, कमिटीज जिनको रिपोर्ट सबमिट होती है वो भी देख लिया, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कैग ऑडिट भी देख लिया जिसमें इट ब्रिंग फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, तो रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल, इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, ये जो हमारा छठा टॉपिक है, रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। तो कैग का क्या रोल है इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। सी सबसे पहले बात करें तो कैग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल है इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। सबसे पहले कैग अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है कमेटी को, ठीक है। कैग अपनी रिपोर्ट जो भी है वो फॉरवर्ड करता है कमेटी को, तो इससे क्या होता है कि जो रिपोर्ट के अंदर इश्यूज है कमेटी को एक काम मिल जाता है। कैग रिपोर्ट प्रोवाइड अ बेसिस टू कमेटी फॉर वर्किंग, तो बेसिस ऑफ कमेटी फॉर वर्किंग, ठीक है। कमेटी जो है एग्जामिन करती है इश्यूज जो इनकॉर्पोरेटेड है कैग ऑडिट की रिपोर्ट में, तो कैग ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें कुछ इश्यूज लेके रखे हैं, ठीक है। कैग ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट होती है हमारी कमेटी को, कमेटी को एक बेसिस मिल जाता है, इट प्रोवाइड अ रिपोर्ट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कमेटीज वर्किंग एंड कमेटी एग्जामिन दोज इश्यूज गिवन इन दी कैग ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी बात आती है कि कैग असिस्ट करता है, इधर तो कैग रिपोर्ट करता है कमेटी को और एक काम दे देता है कैग, ठीक है, और कमेटी एग्जामिन करती है इशूज़ को। अब कैग असिस्ट करता है कमेटी को इन स्क्रूटिनाइजिंग नोट्स एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द नोट्स। अब ये नोट्स कौन सबमिट करी है, मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कैग जो है असिस्ट करता है कमेटी को, कैग असिस्ट करता है कमेटी को इन स्क्रूटिनाइजिंग द नोट्स एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ नोट्स सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्री टू द कमेटी, ठीक है। फिर और क्या बात है कि कैग रिपोर्ट करता है देखो एक तो अपन ने पढ़ा कैग फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट कमेटी को, ठीक है। एक होता है कि कैग कमेटी के ऊपर ही रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो कैग रिपोर्ट ऑन कमेटी एंड सच रिपोर्ट जो है जाती है पार्लियामेंट में। तो कैग रिपोर्ट ऑन कमेटी एंड सच रिपोर्ट वेंट टू पार्लियामेंट विद ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। अब ये जो रिकमेंडेशन है ये रिकमेंडेशन कैग सजेस्ट करता है, ठीक है, कैग सजेस्ट सच रिकमेंडेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि कैग का क्या रोल है टू कैग रिपोर्ट देता है, ठीक है। फिर कैग जो है असिस्ट करता है इन स्क्रूटिनाइजिंग द नोट्स,
साथ ही साथ कैग रिपोर्ट करता है कमेटी के ऊपर, ठीक है, तो एंड सच रिपोर्ट फॉरवर्ड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लिखा हुआ जैसे कि रिपोर्ट ऑफ द फिनेंशियल कमेटी, ये जो कैग रिपोर्ट करता है फिनेंशियल कमेटी के ऊपर, ये सबमिट हो जाती है, ये रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट, इधर लिख लेते हैं सबमिटेड टू पार्लियामेंट विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, विद ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, एंड कैग सजेस्ट, कैग असिस्ट करता है वेरियस कमिटीज़ को इन सजेस्टिंग द रिकमेंडेशन, और कैग सजेस्ट या असिस्ट करता है कमिटीज़ को इन सजेस्टिंग द रिकमेंडेशन, ठीक है, तो कैग रिपोर्ट करता है कमिटी के ऊपर एंड रिपोर्ट सबमिट टू पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या पढ़ा हमने कि कैग फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट कमेटी को, पहले तो कैग रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड करता है कमेटी को, एंड इट गिव्स बेसिस टू कमेटी फॉर वर्किंग एंड कमेटी एग्जामिन इश्यूज रेज बाय द कैग इन इट्स रिपोर्ट। कैग हेल्प करता है, असिस्ट करता है कमेटी को इन स्क्रूटिनाइजिंग द नोट्स एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ नोट्स सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्री। कैग रिपोर्ट करता, तो कैग रिपोर्ट ऑन कमेटी एंड सच रिपोर्ट फॉरवर्ड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन, एंड कैग असिस्ट करता है कमेटी को इन पुटिंग द सजेशंस, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है, अब आता है इम्पॉर्टेंट चार्ट। इम्पॉर्टेंट चार्ट जो है हमारा फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमारा पीडीएफ वाला वर्क ओवर हो गया है, ये एक इसलिए लेकर आए थे ताकि एक रेलेवेंस क्रिएट हो जाए कि यार चलो यार ये नोट्स भी रिलायबल है, ये नोट्स पे भी पढ़ के हम जा सकते हैं, राइट, ओके। तो अब हम जो है फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का चार्ट हम समझेंगे, ठीक है। ये चार्ट ऑडिट इधर कवर है, पांचवा ऑडिट जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट है, वो परफॉर्मेंस ऑडिट हमारा, ठीक है, दूसरे वीडियो में कवर होगा और कुछ रिलेवेंट टॉपिक भी दूसरे वीडियो में कवर होंगे, ओके। बात करते हैं फिनेंशियल ऑडिट की, तो फिनेंशियल ऑडिट क्या होता है, इट्स एन ऑडिट कंडक्ट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट होता है जो कंडक्ट एन ओपिनियन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो रही बात है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, ये हमारा फिनेंशियल ऑडिट है। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कंडक्टेड टू असेस वेदर द एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। तो इधर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करते हुए एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन जो है वो क्या कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लॉज एंड रेगुलेशन में। फिर आती है बात प्रोप्राइटरी ऑडिट की, तो एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन, प्रोप्राइटरी भी ट्रांजेक्शन्स को फोकस करता है, तो वेरीफाई ट्रांजेक्शन ऑन थ्री टेस्ट, तीन टेस्ट पे प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तीन टेस्ट कौन से हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, तो पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, इन तीन टेस्ट पे जो है, इन तीन टेस्ट पे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है कि ट्रांजेक्शन क्या पब्लिक इंटरेस्ट में हुए हैं, क्या ट्रांजेक्शन कॉमनली होते ही हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन, और तीसरा है कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि ये असेस करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये पब्लिक इंटरप्राइज एज अ होल की बात करता है कि पब्लिक इंटरप्राइज एज अ होल की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस चेक करना, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, एक कुछ बेंचमार्क होगा ना, तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में ये एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को चेक करता है, ठीक है। तो इधर क्या है, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, इधर क्या है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में। फिर हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी, तीसरी चीज़ हमारी है जैसे प्रोप्राइटरी ऑडिट में कि ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है तीन टेस्ट पे, वेदर ट्रांजेक्शन आर इन पब्लिक इंटरेस्ट एज पर कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, और वेरीफाई करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ऑन थ्री कंसिडरेशन अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, ठीक है, ओके। तो ये भी ओके। अब फिनेंशियल ऑडिट की बात करें, अब हम जो है रिस्पेक्टिव हर एक ऑडिट को पढ़ेंगे। फिनेंशियल ऑडिट की बात है तो फिनेंशियल ऑडिट में क्या कवर होता है, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो एक ये है थोड़ा सा समझने का, तो एग्जामिन और इवेल्युएट करता है, एग्जामिन और इवेल्युएट करता है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल रिकॉर्ड, ये एग्जामिन और इवेल्युएट करता है। फिर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने क्या पढ़ा कि एग्जामिन एंड इवेल्युएट, एग्जामिन एंड इवेल्युएट फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है,
फिनेंशियल सिस्टम आप पेन पेपर लेके बैठिए, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब इंगेज रहो कैसे ना कैसे आप, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ इधर, आप देखते देखते कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो सिस्टम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन और इवेल्यूएट करना। दूसरा ये हो गया एग्जामिन एंड इवेल्यूएट करना, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल रिकॉर्ड। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो चार चीज़ हो गई, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना। फिर इवेल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, तो फिनेंसिंग फिनेंशियल ऑडिट में इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आ जाता है, ठीक है ना, इसको कंप्लायंस ऑडिट में मत ले जाना, ठीक है। तो इधर लिख ले कि इधर कंप्लायंस ऑडिट में नहीं ले जाना, तो इवेल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इवेल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो सारे इंटरनल कंट्रोल नहीं देखने हैं, वही हमको इंटरनल कंट्रोल देखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेफ गार्डिंग ऑफ असेट एंड विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हमने फिनेंशियल सिस्टम ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल जो है सिस्टम ट्रांजेक्शन के बाद फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन इवेल्यूएट करते हैं, एक्सप्रेस ओपिनियन करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, और एग्जामिन करते हैं इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेफ गार्डिंग ऑफ असेट एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके। चलो अब कंप्लायंस ऑडिट की बात होती है, तो कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या होता है कि ऑडिट वॉज कंडक्टेड टू असेस, द ऑडिट वॉज कंडक्टेड टू असेस वेदर द एक्टिविटीज कंप्लाई विद इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। तो ऑडिट कंडक्ट होता है टू असेस कि वेदर जो एक्टिविटीज़ है, वेदर जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में। तो कंप्लायंस ऑडिट में क्या कवर होता है कि अधियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया, कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो अधियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉर्मल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इधर अधियरेंस देखते हैं, इधर भी हम यही देखते हैं, पर इधर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखते हैं अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया। इधर देखते हैं कि अधियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब्जेक्ट मैटर का टू फॉर्मल क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ठीक है, वो क्राइटेरिया इमेनेट होता है फ्रॉम द लॉज, जो भी लॉज एप्लीकेबल लॉज है उस एंटिटी के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया डेवलप होता है, और हमको चेक करना है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो अधियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद द फॉर्मल क्राइटेरिया। तो अधियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, फिर ये तो हमको हमारा हो गया एक तरीके से, हम बोलना चाहते हैं कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, अधियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, तो किधर क्या देखना है कंप्लायंस ऑडिट में कि सबसे पहले अधियरेंस देख लिया कि सब्जेक्ट मैटर का अधियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉलोइंग क्राइटेरिया से, और एथिकल कंडक्ट अधियरेंस के साथ साथ कंप्लायंस के साथ साथ एथिकल कंडक्ट भी करना है, ठीक है, और ऑब्जर्विंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कंप्लायंस भी करना है, एथिकल कंडक्ट भी करना है, और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखना है, ये तीनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अधियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया कंप्लायंस देख लिया हमने, फिर एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही कि नहीं, एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल ये हमको कवर होता है इस ऑडिट में, एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल एंड ऑब्जर्विंग, तो मतलब ऑब्जर्विंग एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल एंड ऑब्जर्विंग साउंड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑब्जर्विंग एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, तो ऑब्जर्व करना है एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल एंड ऑब्जर्विंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमको एथिकल कंडक्ट भी ऑब्जर्व करना है और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऑब्जर्व करना है, और ये भी देखना है कि सब्जेक्ट मैटर अधियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक हमने छोटा सा इसका बना लिया निमोनिक कि ऑब्जर्व करना साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जर्व करना एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल एंड अधियरेंस, ठीक है, अधियरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया सी करते हुए, ओके। फिर आती बात प्रोप्राइटरी ऑडिट की, तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में सबसे पहले जो है प्रोप्राइटरी ऑडिट इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट, सबसे पहली बात तो प्रोप्राइटरी ऑडिट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, ऑडिटर का ये सब्जेक्टिव रहता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ट्रांजेक्शन को तीन टेस्ट पे देखा जाता है, ट्रांजेक्शन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रैक्ट। तो क्या है कि ट्रांजेक्शन को तीन टेस्ट पे देखा है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रैक्ट PCS। तो द टेस्ट
ट्रांजेक्शन को टेस्ट करते हैं तीन टेस्ट पे, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं तीन टेस्ट पे, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, कि वो ट्रांजेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम में कॉमनली ट्रांजेक्शन होते कि नहीं होते और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे। अब कुछ हमको इधर समझना पड़ेगा कि जो इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट जो होता है वो इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के, कि कैसा डॉक्यूमेंट हुआ है, क्या फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर करिए कि नहीं करिए, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी ऑडिट शिफ्ट इट्स एम्फेसिस टू सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन को छोड़ के एम्फेसिस अपना शिफ्ट करा है सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन पे एंड लुक इन टू द अप्रोप्रिएटनेस इन थ्री कंसिडरेशंस। मतलब कि प्रॉपर्टी ऑडिट शिफ्ट करता है अपना एम्फेसिस ट्रांजेक्शन के फॉर्म से शिफ्ट करता है ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस पे एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस, ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस पे जाता है और लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, कि और देखता है कि ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस क्या है, ये ट्रांजेक्शन को करना जरूरी था कि नहीं था, लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन इन थ्री एरियाज। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि ट्रांजेक्शन सब्सटेंस देख ले, ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस, साथ ही साथ ये ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है इन तीन एरियाज में, वेदर ट्रांजेक्शन इज इन फाइनेंशियल प्रूडेंस, ठीक है, वेदर ट्रांजेक्शन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, वेदर देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ रिस्कफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वेदर ट्रांजेक्शन इज इन फाइनेंशियल प्रूडेंस, क्या फाइनेंशियल प्रूडेंस है कि नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ऑर्डिनरी लेमैन में जो भी इंसान ट्रांजेक्शन करता है वो भी ऐसे ही ट्रांजेक्शन करता ना, तो ट्रांजेक्शन इज इन फाइनेंशियली प्रूडेंस, ट्रांजेक्शन इज इन फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांजेक्शन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांजेक्शन लीड्स टू प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। या तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्या फाइनेंशियल प्रूडेंस को देखते हुए हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है, और देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इसलिए क्या कि क्या ये ट्रांजेक्शन जो है करना जरूरी था, कि इसको वो नहीं भी कर दो चल जाता, तो वेदर देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ये भी देखना है। तो तीन कंसिडरेशंस में देखा जाता है, फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये तीन कंसिडरेशंस में इसकी अप्रोप्रिएटनेस को देखा जाता है। अब आती है बात प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट, तो चार प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट है। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो इस प्रिंसिपल्स को हम इधर डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वर्ड्स में इसको एक बार हम चार्ट से भी देखते हैं, तो मैं आपको चार्ट वाला भी प्रिंसिपल शो करता हूँ। ओके, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी ऑडिट। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड, एक्सपेंडिचर जो ओकेजन डिमांड होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड। एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विथ हिज ओन मनी। तो क्या बोला है कि एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस, हर एक ऑफिशियल को उतने लेवल का विजिलेंस लगाना पड़ेगा, एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस, जितना विजिलेंस एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी पे लगाता है। तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड, तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ऑकेशन डिमांड, की जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और एवरी ऑफिशियल शेल अप्लाई सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाई सच विजिलेंस इन इट्स ओन मनी। दूसरा, एवरी ऑफिशियल हैव अ पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर, तो एवरी ऑफिशियल हैविंग पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर शुडंट सैंक्शन टू इट्स ओन एडवांटेज। जो सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर ऑफिशियल के पास पावर है तो सैंक्शन, देखो ऑफिशियल को बोल दिया एक तो तुमको विजिलेंट रहने का, ठीक है, दूसरा अगर आपके पास पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर तो सच सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी फॉर इट्स ओन एडवांटेज। तो एक्सपेंडिचर ओकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर ओन विजिलेंस और ओन एडवांटेज के लिए नहीं करना है, और एक्सपेंडिचर करते समय वन शुड बी विजिलेंट, तो ऑफिशियल शुड बी विजिलेंट, ये दोनों पॉइंट ऑफिशियल के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेंडिचर ओकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ओन एडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर करते समय वन शुड बी विजिलेंट। फिर फंड्स शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो जैसे कि पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल, तो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स यही है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑडिट यही है कि जो फंड्स है शुड नॉट बी यूज, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, एंड देर आर नो अदर एवेन्यूज ओपन अदर देन दी नो अदर एवेन्यूज ओपन एक्सेप्ट
फॉर एग्रीड एक्सेप्ट एग्रीड रेम्यूनरेशन। तो एग्रीड रेम्यूनरेशन जो ऑफिशियल से जितने भी लोगों को मिलता है एग्रीड रेम्यूनरेशन, उसके अलावा कोई अदर एवेन्यूज ओपन नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेंडिचर ओकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर करते समय वन शुड बी विजिलेंट ऑन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर रहे हो तो शुड नॉट बी सैंक्शन फॉर इट्स ओन एडवांटेज। देन जो फंड यूटिलाइज कर रहे हैं आप, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड शुड नॉट बी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या सेक्शन। साथ ही साथ देर आर नो अदर एवेन्यूज ओपन एक्सेप्ट फॉर द एग्रीड रेम्यूनरेशन। तो इस तरीके से जो हमने PSU के प्रिंसिपल सारे देखे, ठीक है, तो यही हमने चार्ट में पढ़ा कि एक्सपेंडिचर ऑक्यूशन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओन एडवांटेज के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, एक्सपेंड फंड यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए, नो अदर एवेन्यूज, तो अदर देन रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन होना चाहिए, कोई अदर एवेन्यूज ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि इसमें एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी थी, कर लेते हैं। सो इस तरीके से जो है हमने प्रोप्राइटरी ऑडिट के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें पढ़ी, जहाँ पे हमने इसका मीनिंग देखा, साथ ही साथ अदर पॉइंट्स ऑफ कवरेज में हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन पे जाते हुए सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पे जाता है। साथ ही साथ हमने एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस इन थ्री कंसिडरेशन, जिसमें हम FPF बोलते हैं, F फाइनेंशियल प्रूडेंस, P पब्लिक इंटरेस्ट एंड P प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से जो है हमने इसको फिन प्रेप का नाम दे दिया कि फिनेंशियल प्रूडेंस, प्री तो एफ से फिनेंशियल, फिन से फिनेंशियल प्रूडेंस, प्रे से प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और पी से पब्लिक इंटरेस्ट। इसको हमने PCS दे दिया था कि पी से है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, और ये है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। इधर हमने क्रॉप बोल दिया क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, और इधर हमने पी से पब्लिक इंटरेस्ट को डिनोट कर दिया, पब्लिक स्टैंडर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। साथ ही साथ हमने इधर सी बोला था, तो सी मतलब कि साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एथिकल कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल, ए से अधियरेंस सब्जेक्ट मैटर टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब आती बात हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की, तो क्या बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में मीनिंग। मीनिंग में हमने पढ़ा था कि असेसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अगेंस्ट PCS, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्रॉप क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब मेजर एरियाज, देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में मेजर एरियाज क्या है, क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में मेजर मैटर्स टू बी एड्रेस इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इशूज़ टू बी एग्जामिन इन दी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो हमको ये सब चीज़ें लिखनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है पब्लिक इंटरप्राइज, तो पब्लिक इंटरप्राइज जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कंपैरिजन होगा, जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एक कंपैरिजन होता है कि यार एक्चुअल कॉस्ट कितनी, जैसे जब भी प्रोजेक्ट होता है स्टार्ट की तो नहीं, जब भी प्रोजेक्ट होता है तो एक कंपैरिजन तो होता है कि कंपैरिजन ऑफ कैपिटल कॉस्ट विद द प्लांट कैपिटल कॉस्ट, आउटपुट विद द प्लांट आउटपुट, रिटर्न विद द प्लांट रिटर्न, ये सब चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, कॉस्ट को, आउटपुट को, रिटर्न को, हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ये ऑडिट में भी ये होगा कवर, ठीक है, तो ये मैटर्स ये सब एड्रेस होंगे, ठीक है, इधर भी कंपैरिजन होगा। फिर प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट की जर्नी के दौरान हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखते हैं, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो सिंपल से बात है, स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट हमने प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, तो प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स प्रोजेक्ट को करने के दौरान यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स यूज़ करे कि नहीं करे, प्रोजेक्ट की वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट पे हमने देखा कि प्रोजेक्ट की वर्किंग इफिशियंट और इकोनॉमिक है कि नहीं है, ठीक है, और फिर ये भी देखा कि प्रोजेक्ट में कोई अनड्यू वेस्ट तो नहीं है, तो ये सब चीज़ देखी, अनड्यू वेस्ट हो रहा है, ठीक है, अब रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में अनड्यू वेस्ट हो रहा है, लेबर के रिस्पेक्ट में अनप्रोडक्टिव टाइम है, ठीक है, और रॉ मटेरियल और लेबर दे दिया, नॉर्मल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया कि कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ये सब चीज़ें कवर होती है कि अनड्यू वेस्ट देख लो,
अनप्रोडक्टिव टाइम हो रहा है क्या, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं क्या, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, राइट। तो हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा, फिर प्रोजेक्ट के स्टेप में सारी हमने बातें करी, और आता है एंड में कि हमने अनड्यू अनड्यू वेस्ट अनड्यू अनप्रोडक्टिव टाइम और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन प्रोजेक्ट, तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखते हैं कि क्या ये सब हो रहा है, इन सब एरियाज़ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। अब इस पर जो है, इस इतना जो हमने पढ़ा ना कंटेंट, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, राइट। देखो अगर हम देखें तो इसके चार्ट को भी इधर हमने लेकर रखा है। ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट, कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कैग ऑडिट होता है, तो ये हमने इधर पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट, राइट। तो इस पर क्वेश्चन था, देख लिया हमने, चलो काटो। वैसे सारे क्वेश्चन काट के ही रखे, बस आपको दिखाने के लिए कि कुछ इसमें रिलेवेंस है कि नहीं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने देखा था कि जो एग्जामिन करता है अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, और फिर साथ ही साथ ये सब चीज़ें देखता है कि प्रॉपर अथॉरिटी है कि नहीं है जो सैंक्शन करती है एक्सपेंडिचर, प्रॉपर प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए, प्रॉपर डिसबर्समेंट होता है कि नहीं होता है, एक्सपेंडिचर प्रॉपर पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। फिर क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया प्ले, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लेस अ की रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। देखो फाइनेंशियल कमेटी की बात हो गई, वो की रोल प्ले करते हैं फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर सॉरी कैग ऑफ इंडिया प्लेस अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, he has come to be recognized as friend, philosopher and guide of committee. In view of above, you are required to list down the role of CAG. So he has come to be recognized as a friend, philosopher, guide. तो role of CAG बताना है, और ये भी बताया है कि CAG जो है एक friend, philosopher, guide है committee का। तो ये हमने लिख भी लिया है कि he has come to be the recognized as friend, philosopher and guide of the committee. और ये MTB अक्टूबर 18 में आया है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ PSU, जहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ PSU क्या है, कि ब्रिंग फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, तो ये भी हमने काट दिया, ठीक है। और स्कोप ऑफ PSU में ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे ऑडिट को उन्होंने बता दिया। राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट ऑफ PSU, ये एलिमेंट ऑफ PSU ये इररिलेवेंट टॉपिक से, इसको हम देखेंगे बाद में, ओके। और ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल एसोसिएट विद द ऑडिट ऑफ PSU, तो ये भी इरेलीवेंट है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। वेरियस प्रिंसिपल एसोसिएट विद द ऑडिट ऑफ PSU, ऑडिट ऑफ PSU के साथ कौन कौन से वेरियस प्रिंसिपल एसोसिएटेड है। फिर और हमने क्या देखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट। तो एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट ये सब, ये कोई एग्जाम में भी नहीं आए हैं और ये इरेलीवेंट टॉपिक्स है, ठीक है। वेरियस प्रिंसिपल एसोसिएट विद द ऑडिट ऑफ PSU, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज हम एक बार देख लेते हैं। अब ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में भी रोल ऑफ कैग इन दी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो कैग का क्या रोल है इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में जो कैग का रोल है, कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ लिया है, जिसके रिस्पेक्ट में हम जो है एक सेपरेट वीडियो में परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ इसको बता देंगे। अभी तो हम वो जो पर्टिकुलर चार ऑडिट है, उस चार ऑडिट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, ठीक है। और ओके, ये सारे कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, ये सारे हमको कवर करने के। देखो अब ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है ना, कंडक्टेड बाय कैग, इधर हम ध्यान देते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय कैग, तो ये तो पर्टिकुलर शॉर्ट नोट था, ये तो हमने लिख लिया है, इसको काटो। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर फैसिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, क्या लिखा हुआ है कि फॉर फैसिलिटी ऑफ कंसिडरेशन रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन PSU आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इन सेवरल पार्ट, फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि समझ में आए कि ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में सेवरल पार्ट में रिपोर्ट जाती है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि सेवरल पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोल सकते हैं। हमने किधर क्या बोला, पार्ट्स ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट, हम बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फिर आती बात एन्यूब्रेट द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ये भी कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में आया है। सी हम क्वेश्चन सारे ओवर करने के बाद ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ठीक है।
ताकि एक सेटिस्फैक्शन रहे कि देखो इतने क्वेश्चन हुए हैं, इतने क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, तो इसमें एग्ज़ाम में तो पूछा है 2 बार। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, लिस्ट डाउन सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। इधर भी इश्यूज एग्जामिन इन द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, जो हमने इधर पढ़ा था कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमने इधर पढ़ा था, एरियाज कवर इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इश्यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। फिर आती है बात इश्यूज एग्जामिन इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। फिर वापिस मैटर्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर, जो पूरी बात कर रहे हैं, एरियाज कवर्ड इन दी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये सब चीज़ें हैं। एक जैसे चीज़ें, एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ठीक है, का एरियाज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन भी पढ़ा ही था। ठीक है, तो इसलिए इसको काट दिया गया है। अब फिर आती बात प्रोप्राइटी ऑडिट की, तो क्या बोल रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू प्रोप्राइटी एस्पेक्ट, प्रिंसिपल्स प्रोप्राइटी ऑडिट पे हमको लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स 4 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन है। फिर आती है बात डिफरेंट अगला क्वेश्चन की, तो प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द प्रोप्राइटी ऑडिट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द प्रोप्राइटी ऑडिट। तो देखो ये एग्जाम में नहीं आया है, जिसलिए हम इसको एक बार ब्रीफ ओवरव्यू कर लेंगे। प्रोप्राइटी ऑडिट एक मॉरल टर्म होता है एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी मॉरलिटी। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो प्रोप्राइटी इज अ मॉरल टर्म एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो क्या है, प्रोप्राइटी इज अ मॉरल टर्म एंड कैन बी अंडरस्टूड, एक ये मॉरल टर्म है एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी। इसको समझ सकते हैं, ठीक है, बाय रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी। इसको मॉरलिटी जैसे देखा जाए, प्रोप्राइटरी को समझा जाए, प्रोप्राइटी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रोप्राइटी ऑडिट, ये 3 टेस्ट पे चलता है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो ये बहुत डिफिकल्ट है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्टिव एलिमेंट है और इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अच्छा हाँ यार ये पूरा हो जाए तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम या स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, तो इसको चेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होगी तो ये पब्लिक इंटरेस्ट मान लिया जाएगा, या इस टाइप की अगर चीज़ें होगी तो मान लिया जाएगा कि कॉमनली एक्सेप्टेड बाय कस्टम है या एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो सिंस इस पर स्टैंडर्ड जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट हो गया। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होते तो हम हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस ट्रांजेक्शन्स को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम समझ जाते कि पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पर सिंस इधर पता ही नहीं चल रहा है, एक बेंचमार्क ही नहीं है, तो एक ये सब्जेक्टिव एलिमेंट हो गया। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ कॉज्ड अ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट। अब सिंस एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज़ वेरी डेलिकेट। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये तो हमने देख लिया। एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ कॉज प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बहुत ही डेलिकेट हो गया है। और प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बहुत ही डेलिकेट हो गया, इट डिमांड्स डिस्क्रिशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ कॉज प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट, कि आप प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और डिस्चार्ज भी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा आपका एक डिस्क्रिशन इसमें इन्वॉल्व है अंडर डायनामिक, बट विजडम ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इन्वायरमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस। अब जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर आपने पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये जो विजडम है ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इन्वायरमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड, तो वो जो डिसीजन वो सही लिया है कि नहीं लिया है, मस्ट बी इवेल्युएटेड विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस।
तो क्या बोला है कि कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इन्वायरमेंट, जो कमर्शियल डिसीजन आप डायनामिक इन्वायरमेंट में ले रहे हो, मस्ट बी इवेल्युएट, तो उसको इवेल्युएट करो विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस, जो आप इवेल्युएट करो विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस, देखते हुए देखो कि यार ये जो डिसीजन है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में हो रहे हैं और एज पर द सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ये डिसीजन सही था कि नहीं था। ऑडिटर का जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव और अदरवाइज इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव, ठीक है, ऑडिटर का जजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एज अदरवाइज इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स इन टेकिंग कमर्शियल डिसीजन एंड प्रॉपर्टी ऑडिट वुड प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो ऑडिटर का जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ऑडिटर का जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, कैग ने डेवलप करे हैं नॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, कैग ने प्रॉपर्टी नॉर्म्स डेवलप करे हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द कैग हैज़ रियली ट्राई टू टैकल इन अ प्रैक्टिकल वे। तो कैग ने ट्राई करा है कि इसको प्रैक्टिकल वे में टैकल करे, क्या प्रैक्टिकल वे में टैकल करना है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज कैरी हो रही है ड्यू टू सब्जेक्टिविटी उसको कवर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए कैग ने डेवलप करे हैं प्रॉपर्टी नॉर्म्स बाय लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द कैग हैज़ रियली ट्राइड टू टैकल द प्रैक्टिकल वे इन प्रैक्टिकल वे टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है टू टैकल इन अ प्रैक्टिकल वे द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है कि प्रोप्राइटी के अंदर, ऑडिट के अंदर इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड इस्टैब्लिश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, और इनहेरेंट लिमिटेड इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है क्योंकि स्टैंडर्ड इस्टैब्लिश करना डिफ़िकल्ट है, और एलिमेंट इसलिए एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो ऑडिटर को अपनी ड्यूटी पूरी डिस्क्रिशन और बॉडी मेंटल अवेयरनेस के साथ करनी पड़ती है। अब सिंस स्टैंडर्ड्स नहीं है, प्रॉपर बेंचमार्क नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए फिर टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन कैग ने डेवलप करा है नॉर्म्स फॉर द प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री, तो नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी, तो प्रोप्राइटी नॉर्म्स डेवलप करे हैं, तो प्रोप्राइटी नॉर्म्स डेवलप करे हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री, फॉर एक्सपेंडिचर प्रॉपर्टी नॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड, क्या पब्लिक फंड का एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री में जो हो रहा है तो ये नॉर्म्स फुलफिल हो जाएंगे ना, तो मान लिया जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर है एज पर दी पब्लिक इंटरेस्ट, एज पर दी कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, एज पर दी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी बनाए, कैग ने रियली ट्राई करा है कि प्रैक्टिकल वे में इसको रिजॉल्व करें, ठीक, चीज़ को जो है बेटर तरीके से इधर जो है लिख लिया गया है, और इस तरीके से इसको फिर इधर हम काट देते हैं। क्या लिखा इधर देखो, प्रॉब्लम क्या है कि प्रोप्राइटी ऑडिट जो है इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, तो डिफ़िकल्ट है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, और एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर हो पाती है और डिस्क्रिशन बहुत डिमांड करता है। तो व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस केस, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि जो उसके जजमेंट है, ऑडिटर का जजमेंट है वो मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का जजमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव ऑफ मैनेजमेंट, अदरवाइज वो इनिशिएटिव मैनेजमेंट की इनिशिएटिव को खत्म कर देगा, प्रॉपर्टी ऑडिट निकल जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव, कि आप मैनेजमेंट ने कोई सा खर्चा करा और ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्टिव, अगर ऑडिटर ने अगर कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है अगर ऑडिटर ने ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर ने सब्जेक्टिव अपने तरीके से अगर डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दिया, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर्टी ऑडिट एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, भले ही जो है जजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, भले ही जो है इसमें एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, पर जजमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। और विजडम, और ऑडिटर ध्यान दे कि जो कमर्शियल डिसीजन जो इंटरप्राइज ले रही है वो लुकिंग इनटू द कंसीडरेशंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने ये बात करने के बाद, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव, फिर भी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्विंग करने के लिए इनिशिएटिव तो लिया ही है कैग ने, प्रोप्राइटी नॉर्म्स बनाए हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटी, ऐसे कैसे प्रोप्राइटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कैग ने ट्राई किया है टू टैकल इन अ प्रैक्टिकल वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है, जो सब्जेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी जो इनहेरेंट है प्रोप्राइटी एलिमेंट में, प्रोप्राइटी ऑडिट में। इस तरीके से हमने जो है ये वाला क्वेश्चन भी ओवर करा।
राइट। अब एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट अंडर 143(1), तो 143(1) के एरियाज है। तो सी, एक प्रोप्राइटी के रिस्पेक्ट में तो बनेगा ही बनेगा, जिसमें हम प्रोप्राइटी ऑडिट पढ़ेंगे, प्रोप्राइटी एलिमेंट जो कारों के अंदर है वो कारों के अंदर प्रोप्राइटी एलिमेंट देखेंगे, और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट प्रोप्राइटी मैटर के रिस्पेक्ट में क्या बोलता है एक इस पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटी ऑडिट के एरिया से जो कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं और प्रोप्राइटी एलिमेंट्स ऑफ कारों जो देख रखे हैं। फिर बात आती है परफॉर्मेंस ऑडिट की। तो देखो टोटल कितने क्वेश्चन हैं अगर हम देखें पीएसयू के, तो पीएसयू के टोटल है 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22 क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 तो हमने कर लिए होंगे, एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये भी हमने कर लिया, दूसरा कर लिया हमने, तीसरा कर लिया, तीन करे हमने, और फिर ये हमने नहीं करे, ये भी नहीं करा, तीन करने के बाद चौथा टाइप ऑफ ऑडिट, पांचवा कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, छठा एरिया कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो छः प्रोप्राइटरी ऑडिट, सातवां जनरल प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स, आठवां, ठीक है, और ठीक है प्रोप्राइटरी मैटर्स को हमने उधर जो है उसको सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो 8 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे हो रहे हैं टोटल, अगर देखा जाए तो अराउंड हमारे 22 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमने नोट्स भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो अब ये 8 क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नोट्स ही देख लिए तो काफ़ी है, 5 पेज के नोट्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे ओवर होते हैं सारे कॉन्सेप्ट, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवाइज प्रॉपरली। ओके, बाय।